देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर जनचेतना सामाजिक संस्था के क्षय रोग दिवस के संबंध में गुरुद्वारा रोड स्थित सभागार में एक स्वास्थ्य संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय टीबी की बीमारी का कारण और निवारण रहा। इस विषय पर मुख्य वक्ता वरिष्ठ डॉक्टर संजीव मिगलानी ने कहा कि 24 मार्च को पूरे विश्व में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को टीबी की गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक रहना है। पूरी दुनिया में हर वर्ष 1,10,00,000 लोगों को टीबी की बीमारी होती है। अकेले भारतवर्ष में ही लगभग 28,00,000 लोगों को टीबी होती है। बीमारी के कारण लाखों लोग जान गंवा देते हैं। भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त बने। डॉक्टर मिगलानी ने कहा कि खाने पीने की चीजों का ख्याल रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें, जिससे शरीर का संतुलन बना रहेगा और किसी भी प्रकार की अन्य बीमारी का शरीर में प्रवेश नहीं होगा। उन्होंने बताया कि टीबी कई प्रकार की होती है। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं, जिसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। सबसे पहले मैं सामाजिक संस्था जन चेतना मिशन को बधाई देता हूँ कि इन्होंने आज वर्ल्ड टीबी डे जो थीम है वांटेड लीडर फॉर टीबी फ्री वर्ल्ड एट ऑल लेवल पे ये गोष्ठी रखी है। और दूसरा, इन्होंने जो भारतीय सरकार का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को इंडिया से मुक्त करना है, उसके लिए जागरूकता की एक गोष्ठी है। और इसके लिए मैं श्री गुलशन नागपाल जी का और श्री रवि बब्बर जी का और सारे जन चेतना मिशन के सदस्यों का। सर, ये टीबी कितने प्रकार की टीबी होती है? टीबी यदि टीबी किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है, सबसे ज़्यादा ये फेफड़ों को इफेक्ट करती है। यदि किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार हो, खांसी में बलगम आ रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो और शाम को पसीना आता हो, तो उसे अपना चेस्ट एक्सरे और एक टीबी का टेस्ट होता है मॉन्टूस टेस्ट, वो करा लेना चाहिए।